जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी मेन मिलिट्री पुलिस के प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने इंडियन आर्मी मेन मिलिट्री पुलिस के प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली डिस्कस किया था। तो यदि आपसे प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 मिस हो गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप पार्ट 3 के पार्ट 1 को देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट 3 के पार्ट 1 को। तो चलिए आज का क्लास शुरू कर लेंगे। देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 चल रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 वो भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट 1 और 2 बताया हुआ है, जो कि प्रैक्टिस सेट टोटली हमारे द्वारा बनाए गए हैं, लेटेस्ट सिलेबस पे तैयार किए गए हैं। तो यदि आपसे प्रैक्टिस सेट 1 और 2 मिस हो गए हो तो उसके वीडियो के लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और देखो इससे पहले हम सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए हुए हैं इंडियन आर्मी मेन मिलिट्री पुलिस के लिए। तो अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिस हो गए हो तो उनके भी वीडियोस के लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप देख सकते हो इंडियन आर्मी मेन मिलिट्री पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। तो आज हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। दिया हुआ है निम्न में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, ए मेंडलीफ, बी न्यूलैंड्स, सी लोएजियर या फिर डी डोबेराइनर। तो देखिए निम्न में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव ऑस्टक सिद्धांत दिया था न्यूलैंड्स ने, या फिर क्लास 10th में आपकी एनसीईआरटी या सीबीएसई जिस भी बुक से आपने पढ़ाई की होगी तो उसमें आपको ये पढ़ने को था, चैप्टर नंबर 5 में एनसीईआरटी की 10th की साइंस बुक में न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव अष्टक सिद्धांत दिया था। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल कर लेंगे। 27 27 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी नाइट्रोजन या फिर डी जल गैस। तो देखिए इनमें से जो जीवाश्म ईंधन नहीं है वह है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसी प्रकार का ईंधन नहीं है, इसका ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल दिया गया है, जीवाणु की खोज ने की, ए फ्लेमिंग, बी लिम्बल, सी टेमिंग या फिर डी ल्यूवेनहॉग। ठीक है, ये वे दिया हुआ है ल्यूवेनहॉग। तो देखिए जीवाणु मतलब बैक्टीरिया बोला जाए कि बैक्टीरिया की खोज निम्न में से किसने की थी, ए फ्लेमिंग, बी लिम्बल, सी टेमिंग या फिर डी ल्यूवेनहॉग। तो देखिए जीवाणु की खोज जिन्होंने की थी वो है ल्यूवेनहॉग। ल्यूवेनहॉग ने जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी, इन्होंने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉग। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल कर लेंगे। 29 29 नंबर सवाल दिया गया, एड्स के कारण फैलता है, बताना है कि एड्स किस वजह से फैलता है, ए हाथ मिलाने के कारण, जब किसी व्यक्ति को एड्स है और यदि आप उसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो क्या हाथ मिलाने से एड्स फैलता है, या फिर श्वास संपर्क में आने पे, या फिर किसी व्यक्ति को एड्स है और आप उसके श्वास से संपर्क में आ गए तो श्वास संपर्क होने से, या फिर किसी कीट के काटने से एड्स फैलता है, या शारीरिक संपर्क बनाने से, शारीरिक संबंध बनाने से जो है एड्स फैलता है। तो देखिए एड्स फैलने का कारण है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति जिसको एड्स है उससे जब शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब एड्स फैलता है। तो वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, और ये आ गया शारीरिक संपर्क स्थापित करने से। चलिए हम सभी लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 30 नंबर सवाल देख लेंगे जीएस सेक्शन का। 30 30 नंबर सवाल दिया गया, इबोला एक प्रकार का है, ए कवक, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ या फिर डी वायरस। तो देखिए इबोला जो है वो एक प्रकार का वायरस है, क्या है, इबोला एक प्रकार का वायरस है, ऑप्शन नंबर डी, और वो क्या हो गया तो वायरस। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा जीएस सेक्शन जनरल साइंस सामान्य विज्ञान खंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर तक पांच क्वेश्चन, क्योंकि आपके रीजनिंग से आते हैं तो पांच क्वेश्चन हमारा 31 से लेकर 35 तक रीजनिंग सेक्शन से होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 31 31 नंबर सवाल दिया गया है, गलत पद की पहचान करें। यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, कुछ सीरीज दिए गए हैं, इनमें हमें गलत पद की पहचान करना है कि गलत कौन है। तो चलिए उस पद को लिख लेते हैं, जो पद जो सीरीज हमें दी गई है 196 169 144 121 और फिर दिया गया है 101। तो देखिए 169 196 जो है वो आपका 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 169 जो है वो आपका स्क्वायर होता है 13 का, 144 जो है वो स्क्वायर होता है 12 का, 121 जो है वो स्क्वायर होता है 11 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, तो पक्का है कि अगला में क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा। तो जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन यहाँ पे है 101, तो गलत पद हमारा कौन सा हो गया,
101, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 32, 32 नंबर सवाल दिया गया है, विशालकाय, बौना, बुद्धिमान, फिर वॉट प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए यहाँ पे जो हमें बताना है, ये एनालॉजी होता है, सादृश्यता इसे बोला जाता है। तो देखिए विशालकाय बौना क्या है, विशालकाय हमें बताना है कि विशालकाय और बौना में जो संबंध है वही संबंध बुद्धिमान और निम्न में से किसके बीच होगा। तो देखिए विशालकाय फिर बौना क्या जस्ट अपोजिट है, विशालकाय सबसे बड़ा, बौना सबसे छोटा, तो यह जस्ट अपोजिट उल्टा चल रहा है। तो इस तरफ बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का उल्टा ढूंढेंगे क्या होगा, दुष्ट, सज्जन, मूर्ख या डी छोटा। तो देखिए बुद्धिमान का उल्टा होता है क्या, तो मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी, और वो हो गया हमारा मूर्ख। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल दिया गया, चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी, फिर वॉट, बताना है कि जो संबंध चंद्रमा और उपग्रह के बीच है वही संबंध पृथ्वी और निम्न में से किसके बीच है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है, मतलब यहाँ पे चंद्रमा की जाति, चंद्रमा की पहचान बताई जा रही है कि चंद्रमा एक उपग्रह है। तो इस तरह पृथ्वी क्या है, सूरज है, ग्रह है, तारा है या सौर तंत्र है, तो पृथ्वी ग्रह है, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया बी, और बी में दिया गया है ग्रह। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 नंबर सवाल कर लेंगे। 34 नंबर सवाल दिया गया है, विषम की पहचान करें, हमें यहाँ पे भिन्न की पहचान करना है, जिनमें से भिन्न कौन है, ए दही, बी मक्खन, सी पनीर या फिर डी तेल। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो दही जो है वो दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनता है, लेकिन तेल जो है वो एक अलग ही चीज हो गया। तो यहाँ पे अलग कौन है, यहाँ पे विषम कौन है, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया गया है तेल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 35 नंबर सवाल दिया गया है, 10, 15 वॉट, फिर है आपका 25 या 30, बताना है कि यहाँ पे जो सब छूट गया है उसमें क्या होगा। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, 10, 15 यहाँ पे छोड़ा गया है, 25 है और फिर 30 है, ठीक है। 10 से 15 में कितना करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे वॉट का चिन्ह अभी, और 25 से 30 में क्या करना होगा, 5 जोड़ना होगा, डन। तो इसका मतलब कि 5 जोड़कर अगला पद बढ़ाया जा रहा है, 5 जोड़कर अगला पद बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम जो पद निकालेंगे उसे 5 जोड़ के ही निकालेंगे। तो जब यहाँ पे प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और जब 20 में प्लस 5 करेंगे तो हमारा 25 भी आ जाएगा। तो सही क्या है, 20 यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 20। चलिए इसी के साथ हमारा रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी 36 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक, 36 से लेके 50 नंबर तक कर लेंगे मैथ के सवाल। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल दिया गया, अगर 20 कलम 160 रुपए की है तो 5 कलम का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो 20 कलम का मूल्य कितना है, 160 रुपए दिया जा चुका है हमें, लिख लेंगे 20 कलम, कलम मतलब पेन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 20 कलम का मूल्य कितना है, 160, तो हमें 5 कलम का मूल्य निकालना है। तो पहले क्या करेंगे कि एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे। तो एक कलम का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 160 है उसमें 20 से दे देंगे भाग, तो कितना आएगा, 2/16 8 आ रहा है, ठीक है, 20 से 160 करेगा 8 बार में, 20/8 160 हो जाएगा, 8 बार में कटा। अब निकालना है 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य बराबर कितना, कलम का मूल्य निकालना है 5, और एक कलम का मूल्य कितना है 8, तो कितना हो गया, 8×5=40, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल दिया गया, 0.2 × 0.0 बराबर वॉट कितना होगा, लिख लेंगे 0.2 × 0.0, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं रहता है, दशमलव हट जाता है, तो हो जाएगा 0.2 × 0, दशमलव हट गया, जीरो के बाद दशमलव का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या बच गया, केवल जीरो बच गया। तो किसी भी संख्या में आप जीरो से गुना कर लो, उसका आंसर क्या होता है, जीरो ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 38 नंबर सवाल दिया गया, √225 + √64 = what, ठीक है। तो चलिए अंडर रूट कितना दिया हुआ है, 225 प्लस में दिया हुआ है √64, 225 जो है वो आपका क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अंडर रूट 15 का स्क्वायर मतलब 15 क्या, 2
और 8 का स्क्वायर मतलब 8 का 2 2 तो वैसे ही चलेंगे, 2 15 इसका मतलब 1 15 बाहर आ जाएगा और 2 8 है इसका मतलब 1 8 बाहर आ जाएगा। तो 15 और 8 कितना होता है आप सब भी जानते हो, तो 15 और 8 हो गया आपका 23, आंसर बी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल दिया गया, 8 गुना वॉट इक्वल टू 64 कितना होगा लिख लेंगे, 8 गुना वॉट इक्वल टू 64 वॉट, इधर गुना में तो उधर जाएगा तो किसमें जाएगा भाग में जाएगा, तो 64/8 8 से कितना बार में कटेगा ये, तो 8 से कट जाएगा 8 बार में, आंसर आ गया हमारा 8 ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल दिया गया, 5/8 / 5/8 * 1 = वॉट कितना होगा, तो चलिए देख लेते हैं 5/8 / 5/8 * 1 ये दिया गया है, भिन्न का भाग है, भिन्न का भाग आप सभी जानते हो बनाने 5/8 होता है, ये चिन्ह बदलता है गुना में, गुना में बदलते हैं ये पलट जाता है और ये हो जाता है क्या 8/5 और गुना में चल रहा है 1, तो 5 से 5 कट गया 8 से 8 कट गया, कितना बचा यहाँ पे कुछ भी नहीं 1 बच गया अब, और यहाँ पे भी कुछ नहीं 1 बच गया, तो 1 * 1 बराबर कितना आ गया। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल देख लेंगे। 41 41 नंबर सवाल दिया गया, √25 + √100 / √225 ठीक है लिख लेते हैं पहले, √25 + √100 और बट्टा में क्या हो गया, तो √225 यही दिया गया है, यहाँ पे चल रहा हूँ √25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और √10 को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर बट्टा में हो गया √225 जो है वो आपका हो गया 15 का स्क्वायर ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 2 10 का स्क्वायर मतलब 10 का 2 और 15 का स्क्वायर मतलब 15 का 2 अब वर्गमूल आप सभी बनाने जानते हो, 2 5 के लिए 1 5 बाहर आएगा, 2 10 के लिए 1 10 बाहर आएगा और 2 15 के लिए 1 15 बाहर आएगा, 10 और 5 कितना हो गया 15/15 15 से 15 कितना बार में कटेगा 1 बार में, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 42 42 नंबर सवाल दिया गया, 35% = वॉट ठीक है, चलिए तो 35% को सोल्व करना है, तो 35 हो गया प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा बट्टा में 100, 5 से कितना बार में कटेगा 20 बार में और ये 7 बार में, आंसर क्या आ गया 7/20। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल दिया गया, 4:5:5 बराबर वोट प्रतिशत बताना कि 4:5:5 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो चलिए लिख लेंगे 4:5:5 का मतलब 4/5 और वोट है प्रतिशत, देखिए इसका कुछ तो गुना में है ठीक है, तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाता है आप सब भी जानते हो प्रतिशत हटाने पे बट्टा में 100 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 100 से 4 में करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं पहले 4 * 100 और फिर हो गया वॉट गुना 5 ऐसे चल रहा है हमारा, क्या आ गया 400 = वॉट * 5 वॉट * 5 कितना आ गया 405 इधर लग रहा हूँ 5 400 से कितना बार में जाएगा 5 से 80 बार में 8 5 40 और 1 0 और इधर हो गया वॉट, मतलब ये कितना आ गया हमारा वॉट = सी पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देख लेंगे। 44 44 नंबर सवाल दिए गए, 2048 + 5000 - 7000 = वॉट कितना होगा 40 46 48 या 59, तो क्या करेंगे पहले जोड़ लेंगे फिर घटा देंगे, तो 2048 और जब 5000 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, 2048 + 5000 - 7000 ठीक है, तो 2048 और 5000 को जब जोड़ेंगे तो 5 और 2 हो गया 7000 और 48 तो कितना आ गया हमारा 7048 और इधर चल रहा है 7000 तो 7000 ही हो गया, तो 7048 में जब 7000 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल देख लेंगे। 45 नंबर सवाल दिया गया, यदि r = 7 तो πr² का मान ज्ञात करें ठीक है, किसका मान निकालना है हमें πr² का, पाई का मान कितना होता है आप सब भी जानते हो 22/7
और आर का मान है 7, आर स्क्वायर मतलब कि 7 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2, ये 7 से 7 कट जाएगा, क्या हुआ 22 × 7, गुना करते हैं 7 × 14 = 4 हासिल 1, 7 × 14 + 1 हो गया 15, कहाँ पे 154, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल दिया गया, कोसेक 30 डिग्री प्लस एक 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, तो कोसेक 30 डिग्री का परिधि के लिख लेते हैं, ठीक है, कोसेक 30 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री, तो देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान जो है वो होता है 2 और सेक 60 डिग्री का भी मान होता है, सेक 60 डिग्री का मान जो है आपका वो भी होता है 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल दिया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए 2ab, बी 4ab, सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये एक फॉर्मूला है और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 4ab, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड इट्स 4ab। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल देख लेंगे। 48 नंबर सवाल दिया गया, 20 × 20 माइनस 10 × 10 इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, तो क्या करते हैं ए बराबर 20 मान लेते हैं, ठीक है, और बी बराबर हम सब 10 मान लेते हैं, ओके, तो अब क्या हो गया, ये हो गया ए ए बी बी, तो ए ए बी बी, तो 2a × a क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया और b × b क्या हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया, तो एक फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो इसी पे सोल्व कर लेंगे, ए प्लस बी, ए कितना है हमारा, ए हमने 20 को माना हुआ है, बी हो गया 10, फिर है 20 − 10, 20 और 10 कितना हो गया, तो 20 और 10 हो गया 30, और 20 में से 10 घटेगा तो कितना होगा, तो 20 में से जब 10 घटा दोगे तो आपका हो जाएगा 10, तो 30 × 10 करने पे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 49 49 नंबर सवाल दिया गया, 0.40 × 2.50 प्लस 6.05 इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो पहले क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद जोड़ लेंगे, तो गुना कैसे करेंगे, देखिए 2 अंक का गुना है, सिंपल गुना करेंगे, उसके बाद दशमलव को ध्यान में रखेंगे, 3 और 2 3 अंक का गुना है, तो चलिए देख लेते हैं, 250 और गुना में क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है, अब 0 40 तो लिख नहीं सकते हैं, 40 ही होगा, तो पहले हो गया 0 0 0 0, 4 5 20 हाथ में करी गया 2 4 2 8 और 2 10, तो 0 0 0 और 10 इतना आ रहा है हमारा गुना करने के, इन दोनों को क्या आ रहा है 1 2 3 4 और प्लस में है आपका 6.05, इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, तो अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव था, तो गुना तो सिंपल होता है, लेकिन फिर जब गुना कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों दशमलव जो है जुड़ जाता है, जितने भी अंक का गुना किया उन सभी का, तो ये दो दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, मतलब 4 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद यहाँ पे भी दशमलव बैठा देंगे 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग दशमलव दे देंगे, ठीक है, 4 अंक के बाद हम लोग दशमलव देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव दे देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, अभी इनको हम सब जोड़ेंगे, तो क्या है 1.0000 और देखिए दशमलव का जोड़ करो या घटाओ करो उसमें आपको दशमलव को साथ में रखना पड़ता है, तो यहाँ भी दशमलव को साथ में रख देंगे, दोनों जगह साथ में है, अब 0 5 इधर दाएं तरफ 2 अंक है तो लिख दिया, बाएं तरफ 1 अंक है तो वो भी लिख दिया, क्या आ गया 0 0 5 में 0 जोड़ेंगे 5 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और 6 और 1 7 कितना आ रहा है 7.0500। तो देखिए दशमलव के बाद ना 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये तो मिट ही गया है, तो राइटली हमारा आंसर लिख लेंगे 7.05, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल कर लेंगे। 50 नंबर सवाल दिया गया, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू व्हाट, ए एल प्लस बी, बी 2 × l + b, सी एल इंटू बी या फिर डी इनमें से कोई नहीं, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जाओ क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं, क्योंकि देखो काफी इजी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है तो ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास के साथ,
तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके अनदर वीडियोस देखते रहिए, अनदर क्लासेस अटेंड करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करते, और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।